नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और सुर्खियों का पुराना रिश्ता है। कभी अपनी सीक्रेट लाइफ के लिए तो कभी परमाणु हथियारों के चक्कर में खबरों में किम का आना जाना लगा ही रहता है। वैसे नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उनके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उसके बहुत से सीक्रेट हैं जो खुफिया एजेंसियों के जरिए ही पता चल पाए। उनमें से एक है नॉर्थ कोरिया का प्लेजर स्क्वाड। जो तानाशाह के अय्याशियों का सबसे बड़ा अड्डा है, लिहाजा इस वीडियो में हम नॉर्थ कोरिया के प्लेजर स्क्वाड को डिकोड करने वाले हैं। क्या है किम जोंग का सीक्रेट अय्याशी वाला अड्डा? स्कूली बच्चियों के लिए सबसे बड़ा नरक क्यों है प्लेजर स्क्वाड? प्लेजर स्क्वाड में क्यों चुनी जाती हैं वर्जिन लड़कियां? आपने भारत के मुगल काल में हरम का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें क्रूर मुगल शासक देश की खूबसूरत महिलाओं को उठाकर उसे अपनी विलासिता का शिकार बनाते थे। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के पास भी एक सीक्रेट हरम है, जहां खूबसूरत स्कूली वर्जिन लड़कियां उनका मन बहलाती हैं। 2000 से ज्यादा लड़कियों से बने इस हरम का नाम है किम पुंजो, यानी प्लेजर स्क्वाड। माना जाता है कि किम के हरम में वो लड़कियां रखी जाती हैं जिनकी वर्जिनिटी भंग ना हुई हो। कैसे होता है प्लेजर स्क्वाड के लिए सिलेक्शन? साल 2011 में किम के सत्ता में आने के बाद दुनिया ने माना कि विदेश में पढ़े किम का आना उत्तर कोरिया से रहस्यों का पर्दा हटाएगा, देश से गलत प्रथाएं खत्म होंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किम ने अपने दादा की शुरू की गई सेक्स एंटरटेनर रखने की प्रथा खत्म नहीं की। प्लेजर स्क्वाड कहलाने वाली लड़कियों के समूह को खास किम और उनके वफादारों के लिए रखा जाता है। इसमें प्यूबर्टी एज में पहुंच चुकी 13 साल तक की बच्चियों को भी जबरदस्ती रखा जाता है। इसके लिए किम के लोग लड़कियों के स्कूल पर नजर रखते हैं। अगर कोई लड़की उन्हें स्क्वाड में शामिल करने लायक लगे तो उसको पकड़ा जाता है। ले जाने से पहले सैनिक सवाल करते हैं कि क्या वे वर्जिन हैं। इसके बाद जबरदस्ती उठाई गई लड़की का मेडिकल परीक्षण होता है, ताकि ये पक्का हो सके कि उसका कोई संबंध नहीं रहा है। सुनिश्चित हो जाने पर लड़की प्लेजर स्क्वाड में शामिल होने लायक मान ली जाती है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना। किम के दादा ने क्यों की थी शुरुआत? माना जाता है कि पहला प्लेजर स्क्वाड नॉर्थ कोरिया के संस्थापक किम टू सोंग ने किया, ताकि वे देश की समस्याओं के बीच अपना मनोरंजन कर सके। एजेंसियों के अनुसार साल 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। किम द्वितीय अपने सैनिकों को देश की सबसे खूबसूरत और वर्जिन लड़कियों की तलाश में भेजा करता। चुनाव के बाद उन्हें राजसी लोगों से मिलने के तौर तरीके सिखाए जाते, साथ ही नृत्य और गाने की भी ट्रेनिंग मिलती। इनमें से कई लड़कियों ने बाद में हरम के भीतर ही घरेलू नौकरानी की तरह काम करना शुरू कर दिया। वहीं कुछ बेहद खूबसूरत लड़कियों को किम के वफादारों को कंफर्ट वुमेन की तरह इनाम में दिया जाता था। माना जाता है कि किम के दादा को यकीन था कि वर्जिन लड़कियों के साथ रहने और उनसे संबंध बनाने पर उनकी जीवनी शक्ति पुरुषों के भीतर आ जाती है, जिससे वे और ताकतवर हो जाते हैं। जबरदस्ती उठाकर मनोरंजन के लिए रखी जाने वाली लड़कियों के पेरेंट्स से कहा जाता था कि उनकी बेटियां जरूरी मिशन पर हैं, और डरे हुए पेरेंट्स जानने के बाद भी इसका विरोध नहीं कर पाते थे। कैसे होता है प्लेजर स्क्वाड से रिटायरमेंट? 20 साल के होते होते लड़कियों को प्लेजर स्क्वाड से रिटायर मान लिया जाता था। इसके बाद उनकी दूसरी ड्यूटी शुरू होती थी। या तो वो घरेलू नौकरानी बन जाती, या फिर सुंदर होने पर किम के सैनिक या दूसरे वफादार उन्हें अपने साथ ले जाते। प्लेजर स्क्वाड में लड़कियों की अलग अलग श्रेणियां भी हैं, जैसे डांस गाना अच्छी तरह कर पाने वाली लड़कियां यही काम करती हैं। कुछ लड़कियों को ट्रेनिंग देकर गुप्तचर के काम पर रखा जाता है। वहीं लड़कियों की एक श्रेणी सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर देने के लिए होती है, जिसे स्थानीय भाषा में मैन जोक जो कहते हैं। दुनिया के सामने कैसे आई सच्चाई? किम टू सोंग की मौत के बाद उसके बेटे किम जोंग इल ने इसे जारी रखा। उसके कार्यकाल के दौरान शेफ रह चुके एक शख्स केंजी फुजीमोटो का दावा था कि लड़कियों के चुनाव के लिए उनका ऑडिशन भी किया जाता था। इस स्क्वाड के बारे में दुनिया को खास जानकारी नहीं है। इंटेलिजेंस के अलावा किम के चंगुल से निकलकर भागने वाले लोगों ने इसकी जानकारी दी। जैसे साउथ कोरिया में भागकर आई एक युवती मी हियांग का कहना था कि वो किम के इस स्क्वाड का 2 सालों तक हिस्सा रही।
उसके अनुसार 15 साल की उम्र में उन्हें स्कूल से उठा लिया गया था। वैसे किम जोंग इन की मौत के बाद साल 2011 में प्लेजर स्क्वाड को किम जोंग ने कुछ समय के लिए बंद करवा दिया। तब उम्मीद जागी कि नया शासक कुछ बेहतर करेगा। हालांकि बाद में इसके पीछे ये वजह बताई गई कि किम जोंग को अपने पिता को सेवाएं दे चुकी लड़कियों पर यकीन नहीं था, क्योंकि वे काफी सारे राज जानती थी। द टेलीग्राफ से एक इंटरव्यू में उत्तर कोरियाई मामलों के जानकार तोशी मित्सु सीगेमुरा ने कहा कि उन्हें वापस घर भेजने से पहले शपथ दिलवाई गई कि वो कभी मुंह नहीं खोलेंगे। लड़कियों को $4,000 भी दिए गए, जो कि गरीबी झेल रहे देश में एक बड़ी रकम मानी जाती है। अगले 4 सालों तक लड़कियों की कोई भर्ती नहीं हुई। माना जाने लगा कि देश में ये प्रथा खत्म हो चुकी है। लेकिन साल 2015 में किम जोंग ने दोबारा प्लेजर स्क्वाड शुरू कर दिया।